वट इज द रीजन बिहाइंड दैट डिजीज कौन सा पॉजिटिव एजेंट है जब ये नॉलेज जो है हम लोगों को होगी दिस विल हेल्प अस फ्रॉम डिक्रीजिंग द स्प्रेड ऑफ दैट डिजीज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग दैट डिजीज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एड्स की बात करें वट इज एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशियंसी सिंड्रोम इसका पॉजिटिव एजेंट होता है एच आई वी दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस राइट पॉजिटिव एजेंट हम लोगों को आइडिया है इसका स्प्रेड किस तरह होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह होता है प्री सेक्शुअल कॉन्टेक्ट विदाउट प्रोटेक्शन सेक्शुअलटैक्ट विदाउट प्रोटेक्शन अनसेफ इसके साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द पेशेंट पेशेंट टू दैट ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल यूज ऑफ द दरेंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूजली क्या होता है ये कंटेमिनेटेड सरेंजेस जो है एडिक्स के अंदर ज्यादा चांसेस होती है डेवलपमेंट ऑफ द एड्स दीज आर द थ्री रीजन डी सेक्शुअल कॉन्टैक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंटेमिनेटर सरेंजेज और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके थ्रू जो है हमारे पास एड्स जो है इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर पर्सन और इसको प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स यूजली से हम लोग वी स्टे अवे फ्रॉम दीज पेश और वी स्टे अवे फ्राम दीज एक्टिविटीज तो वी कैन नॉट कंट्रैक्ट दीज इनक्योरेबल डिजीज तो दीज प्रटिव मेजर्स नीड टू बी टेक ओके

सिमिलरली इन जो हमारे पर ड्रग एडिक्ट यूज कंटेमिनेटेड सीरेंजेस उसके थ्रू भी हेपीटाटिस द बेस्ट प्रिवेंटिव मेयर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस डिजीज इट इज टू अवॉइड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद ऑफ देश पेशेंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हम लोग जितना जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं इट विल डिक्रीज द स्प्रेड ऑफ द डिजीज दिस वॉज ऑल अबाउटिव मईर सेकेंड आदत है हमारे पास वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन क्या होती है दीज आर बेसिकली दीकेंड सबस्टांसिज जो हमारी बॉडी के अंदर डाली जाती हैं वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज हमारी बॉडी के अंदर डाली जाती हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी जनरेट करती है मेमरी सेल्स जनरेट करती है अगेंस्ट दैट डिजीज़ फॉर द फ्यूचर कि फ्यूचर में उसके साथ जाके फाइट कर सके। we will uh, study about it in detail in the next, in the next few chapters. vaccination, immunization, ki wajah se, there are a number of diseases which are being controlled, like that of the whooping cough, measles, mumps, polio, smallpox. so large number of diseases are being controlled with the help of the vaccination. edward jenner, jo tha, pas, he was the first person in 1796. jutha marpas vaccination, jyotirangraithi, accidentally kelo. Uh, he, what he did was, he uh, basically injected an eight year bo uh, boy with that of the cowpox pus virus. The cowpox the pus it consisted of obviously the microorganism that was causing cowpox. What was that boy got vaccinated or inoculated? On this is the basis for vaccination because cowpox pus is known as VECA, which is the Latin for cow.

जितने ज़्यादा कम्यूनिटी के अंदर लोग जो हैं दे विल बी इम्यून टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरस उतने ज़्यादा देर विल बी कम चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग दैट डिजीज दे विल बी लेस चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग दैट दट डिज़ सेकेंडली समटाइम्स क्या होता है राइट इन दी अर्ली एजेस हमारे पास जो है बॉडी को इम्यून कर दिया जाता है बाई गिविंग डिफरेंट वैक्सीनेशन टू सर्टन डिजीजेस ताकि इम्यूनिटी डिवेलप हो सके बॉडी के दीज आर दर्पज ऑफ

बट द वर्क इज स्टील स्टिल बींग डन अभी बहुत काम और भी करना है बट इट हैज प्रोवाइडेड अ फ्रूटफुल कंक्लूजन के जो वैक्सीनेशन एंड इम्युनाइजेशन है इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल अ सर्टेन डिजीज ज ऑल अबाउट टू डेज लेसन आई होप इट इज क्लियर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू गट एनी क्वेश्चन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक इट शेयर इट एंड फॉलो म्यू इंस्टाग्राम नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ बाय बाय